Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha here. We had already started a 11th standard, a new chapter that is called as a structural organization in animals. और इसके काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर्स हम लोगों ने ऑलरेडी डील कर लिए हैं. जैसे कि अगर मैं बात करूँ, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू. हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कनेक्टिव टिश्यू के रिस्पेक्ट में, राइट? तो लास्ट लेक्चर का जो लास्ट पार्ट था वो है एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू. और आज जो हमारा लेक्चर चलेगा दैट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू द फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू. तो ये फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे. तो पहले कैटेगरी में हम लोग बात करेंगे वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू को लेके, ठीक है? जहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है एग्जाम्पल टेंडॉन्स. कौन सा एग्जाम्पल हमको पढ़ना है? टेंडॉन्स वाला एग्जाम्पल पढ़ना है. वेयर एज इन द सेकेंड कैटेगरी वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द, यू कैन से, येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू. येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे. यहाँ पे एग्जाम्पल जस्ट टेंडॉन का अपोजिट में हम लोग बात करेंगे लिगामेंट. क्या बात करेंगे? लिगामेंट्स को लेके, ठीक है? अब सबसे पहले एग्जाम्पल्स को स्टडी करते हैं कि टेंडॉन्स एंड लिगामेंट में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज है, ये सारी बातें करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बना लेते हैं एक ऐसा डायग्राम जो कि रिप्रेजेंट करेगा बोन्स. क्या रिप्रेजेंट करेगा? बोन्स लाइक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? अब ये जो बोन का जो कैरेक्टरिस्टिक है, मान लो अगर यहाँ पे कोई मसल कनेक्टेड है, ओके, कोई ना कोई मसल्स आर कनेक्टेड ओवर हियर. तो ये जो लेबल भी कर देते, चलो इसको मैं लिख देता हूँ मसल्स और इसको मैं लिख देता हूँ बोन, ठीक है? अगर ये बोन का मसल्स, सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, अगर ये कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है मसल, तभी क्या करेगा, ये बोन पुल हो जाएगा. बोन पुल कौन से डायरेक्शन में हो जाएगा? ऊपर के डायरेक्शन में. जो भी एंगल पे अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है उस पर्टिकुलर एंगल पे हमारा बोन का तो मूवमेंट दिखाई गई ना. तो बोन का और मसल का जो कनेक्शन रहेगा दैट इज दिस कनेक्टिंग एरिया, इसको मैं लेबल कर देता हूँ यहाँ पे टेंडॉन. बात समझ में आ रही है तुम लोगों को, ठीक है? सो दिस इज़ वन ऑफ द सिनेरियो विच इज़ अंडरस्टूड ओवर हियर वेरी क्लियरली. सो व्हेन बोन्स आर कनेक्टेड विद द मसल्स एंड मसल्स आर डूइंग कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, दैट टाइम देर इज अ मूवमेंट ऑफ द बोन टेक्स प्लेस. तो बोन और मसल को इंटैक रखने के लिए हम लोगों को एक पर्टिकुलर टिश्यू चाहिए होता है जिसको हम लोग कहते हैं टेंडॉन्स. बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? यहाँ पे काफ़ी ईजी है इसको समझना. और ये जो टेंडॉन्स होते हैं, अगर मैं इनके बारे में बात करूँ, सो दीज आर एक्चुअली द मेन सेल्स, ओके? Tendons are the main cells and these are made up of actually a fibroblast, okay? So these are secreted from the, you can say, fibroblast. Clear है? So अभी ये इसको अगर मैं diagrammatically या फिर under microscope आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि under microscope ये दिखते कैसे हैं, तो इनमें actually देखो the tendons, it is the main cell is fibroblast. अब ये fibroblast के बारे में हम लोगों ने previous lecture में discuss किया था, सब पता चल गया रहेगा कि सर किसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना? तो हम लोग यहाँ पे macrophages के बारे में बात कर रहे हैं, fibroblast cells के बारे में बात कर रहे हैं जो कि collagen secrete करेगा. क्या secrete करेगा? collagen. तो यहाँ पे collagen हम लोग कैसे बनाते हैं? ये randomly ऐसे bundles में बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? ऐसे bundles में. तो कुछ ऐसे दिखाएंगे, कुछ ऐसे दिखाएंगे randomly, ओके? तो ये आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा है, बंडल जैसे स्ट्रक्चर्स अरेंज रहेंगे. ये ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग को माइक्रोस्कोप के अंदर देखने मिलता है, ठीक है? सो टाइटली बाउंडेड लाइक दिस बंडल लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग लेबल कर देते, चलो कोलाजन कहते हैं इसको. क्या कहते हैं? अ कोलाजन एरिया, ओके? कोलाजन बंडल्स या फिर फाइब्रोब्लास्ट जो सेल्स होंगे वो इसको सिक्रेट करते हैं. सो दिस इज हाउ रैंडमली वी हैड ड्रॉन अ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, राइट? याद है आप लोगों को, इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हम लोग अगर सेल्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे. तो ऐसे इरेगुलर जो सेल्स होते हैं यही फाइब्रोब्लास्ट के सेल्स होते हैं, है ना? दिस आर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स एंड दिस सेल्स इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेटिंग दिस कोलाजन फाइबर्स. इसके अलावा बीच बीच में जो ऐसे ओवॉइड या फिर राउंड राउंड शेप में जो सेल्स होते हैं, चलो इनको भी लेबल कर देते हैं, इनको कहते हैं मैक्रोफाज, ओके? क्या बोलेंगे? मैक्रोफाज सेल्स. तो ये आप लोगों को ऐसा कुछ स्ट्रक्चर्स देखने मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं वाइट फाइबरस या फिर कनेक्टिव टिश्यू में टेंडॉन्स जो आप लोगों ने पढ़ा. सो दिस इज हाउ द एक्चुअली टेंडॉन्स लुक लाइक. अब ये टेंडॉन्स की प्रॉपर्टी के बारे में बात करूँ तो दिस हैव द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. तो इनमें क्या रहता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा रहता है. तो यहाँ पर लिख देते हैं नोट. नोट क्या बोलता है? हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ,
ओके सो ये आप लोगों को यहाँ पे कंपलसरी पॉइंट है, ये जो नोट है ये इंपॉर्टेंट नोट है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिस इज कम्प्लीटली EXIMP टॉपिक जहाँ पे हम लोग टेंडॉन्स एंड लिगामेंट्स के बारे में बात करेंगे। सो कंपैरेटिवली क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेंडॉन्स एंड लिगामेंट्स, उनके लोकेशन बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड द टेंडॉन्स वेरी क्लियरली। अभी हमारा जो बात चलेगा दैट इज विद रिस्पेक्ट टू लिगामेंट चलेगा, सेम डायग्राम बनाएंगे ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा। मान लेते ये बोन यहाँ पे है, ये दूसरा बोन यहाँ पे। अब ये बोन टू बोन को जो कनेक्ट करने वाले जो एरियाज होते हैं ना, इनको हम लोग लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगामेंट का फंक्शन क्या है? बोन को कनेक्ट रखना, बोन्स को कनेक्ट रखना ठीक है। सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द लिगामेंट, तो इसको भी लेबल कर देता हूँ यहाँ पे। सो दीज आर कंसिडर एज अ बोन्स ओके। नाउ अगर मैं लिगामेंट की ड्राइंग बनाने की कोशिश करूँ तो अगेन देयर विल बी द फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, लेकिन कोलाजन जो रहेगा कंपैरेटिवली जो यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने मिलता है वो यहाँ पे कम होगा ओके। और यहाँ पे जो इलास्टिन फाइबर्स होते हैं वो ज़्यादा देखने मिलते हैं। सो लेट्स सी हाउ वी कैन ड्रॉ दिस डायग्राम ओके। सो रैंडमली मैं आपके सामने इलास्टिन फाइबर्स बना रहा हूँ। सो दीज आर एक्चुअली इलास्टिन फाइबर्स ओके। तो ये इलास्टिन फाइबर जो होते हैं ये सीक्रेट करेंगे ये कहाँ से सीक्रेट होते हैं? तो ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है जो कि इरेगुलर फॉर्म में बना रहा हूँ यहाँ पे। सो दीज आर ओनली द सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सीक्रेशन, तो यहाँ पे भी लेबल कर देते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ठीक है। तो ये भी एक्टिविटी आप लोगों को क्लियर हो गई, इलास्टिन फाइबर क्लियर हो गया। अब क्या, तो मैंने कहा तुम लोगों को लेस कोलाजेंस विल बी सीन, तो थोड़ा सा बना देते हैं। सो दीज आर यहाँ पे लिख देता हूँ लेस कोलाजन ओके, लेस कोलाजन एंड यहाँ पे लिख देते मोर इलास्टिन फाइबर्स। नाउ यू अंडरस्टूड, कंफर्टेबल विद दिस ओके। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा है कोलाजन, दिस आर मोर एक्चुअली ओके, मोर इन नंबर, क्लियर हो गया। तो ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, क्लियर हो गई ये सारी बातें बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द टेंडॉन्स एंड लिगामेंट्स। अभी हम लोग बात करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द बोन्स ओके। तो जो नया एरिया चालू होने वाला है दैट इज़ द बोन एरिया, तो अभी बोन एरिया को समझ लेते हैं सबसे पहला। सो लेट्स टॉक अबाउट द बोन। सो व्हाट इज दिस बोन? इट इज़ अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इट इज़ व्हाट? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये आपको कंपलसरी याद रखना है क्योंकि सबको पता होता है ना कि बोन इज़ अ हार्डर सब्सटेंस है कि नहीं, हमारे बॉडी का स्केलेटल स्ट्रक्चर फॉर्म करने में मदद करता है। तो ये सारी बातें आप लोगों को पता है, तो अभी हमारा टाइम आ चुका है कि हम बोन को डिस्क्राइब करें। तो चलो पहले सबसे पहला मैं आप लोगों के सामने बोन का एक अच्छा खासा डायग्राम रख देता हूँ ठीक है। समवॉट द बोन लुक लाइक दिस है ना। तो अभी ये बोन के जो ऊपर से ऐसा जो कवरिंग बना रहा हूँ आउटर कवरिंग, ये इसको मैं दोनों साइड बना रहा हूँ ठीक है, ये दोनों साइड बना रहा हूँ। एंड जो आउटर कवरिंग होता है ये कार्टिलेजिनस टिश्यू का होता है। किसका होता है? ये कार्टिलेजिनस टिश्यू ठीक है। सेम लेबलिंग मैं आपके लिए यहाँ पे स्क्रीन पे रख रहा हूँ इसके लिए भी फाइन। सो अंडरस्टूड ओवर हियर, ये लेबलिंग जो मैं दे रहा हूँ आज आपके सामने वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको याद रखने की कोशिश करो ओके। अभी जो बोन का इतना पार्ट है जो इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है बीच में, इसको मैं कहूँगा डायाफाइसिस। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? डायाफाइसिस के नाम से पहचानेंगे। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा डिवीजन करने वाला हूँ, सो दिस मार्किंग ओवर हियर ओके, इसको मैं बोलूँगा ग्रोथ रीजन। तो बोन में जो ग्रोथ होती है वो रीजन होता है ये ठीक है, जोन ऑफ ग्रोथ रीजन ऐसे भी बोल सकते हो आप लोग। अभी ये जो नीचे का एरिया है इसको हम लोग बोलेंगे एपिफाइसिस। क्या बोलेंगे? एपिफाइसिस। तो दो लेबलिंग आपको कंपलसरी याद रखना है, वन इज कॉल्ड एज अ डायाफाइसिस एंड अदर विल बी कॉल्ड एज अ एपिफाइसिस फाइन। नाउ एपिफाइसिस को हम लोग नॉर्मली हेड ऑफ द बोन भी कहते हैं। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? हेड ऑफ द बोन के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब खास बातें क्या है, तो यहाँ पे मैं कुछ डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ ओके। सी डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर जो विच आई हैड मेड इन साइड, दिस आर एक्चुअली अ रेड बोन मैरो ओके। व्हाट आर दिस? सबको पता होता है ना बोन में बोन मैरोज वगैरह होते हैं। तो लेट्स टेक दिस लेबलिंग आउटसाइड नाउ। तो ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा ले रहा हूँ एडजस्ट करके। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली सो बोन मैरो ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ रेड बोन मैरो ओके। सो ये रेड बोन मैरो का फंक्शन क्या है? तो यहाँ पे एक्चुअली एरिथ्रोपोएटिक वाली एक्टिविटी होती है। विच एक्टिविटी टेक्स प्लेस ओवर हियर? एक्टिविटी एरिथ्रोपोएटिक, यानी तुम्हारा RBC WBC जो बनता है ना वो यहीं से बनता है, एरिथ्रोपोएटिक
सेल्स होते हैं इनके पास या फिर टिश्यूज़ होते हैं, ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। एरिथ्रोपोएटिक टिश्यू होता है, यानी हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ RBC, WBC फॉर्मेशंस वगैरह जो होते हैं वो यहाँ से होते हैं। ओके, सो ये आप लोगों को यहाँ पे कंपलसरी पॉइंट याद रखना है, दिस इज़ EXIMP। ओके, तो ये कहाँ देखने मिलता है? रेड बोन मैरो इन द एपिफाइसिस, दैट इज इन द हेड रीजन ऑफ द बोन। अभी क्या बाकी रहेगा? तो येलो बोन मैरो भी होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सेंटर में एक बोन की कैविटी देखने मिलेगी। सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ बोन कैविटी। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? बोन कैविटी। और ये जो बोन कैविटी रहती है ये खाली नहीं रहती, इसके अंदर ही होता है येलो बोन मैरो। सो दिस बोन कैविटी इज कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे मैं कुछ सफरेंस को डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। सो दिस इज कंसिस्ट ऑफ येलो बोन मैरो, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। ओके, सो येलो बोन मैरो। अब ये येलो बोन मैरो इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो फैट डिपोजिशन होता है, येलो फैट इसके अंदर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ स्टोर्स ऑफ येलो फैट्स, इसलिए ये इसका जो कलर होता है वो येलो अपीयर कर जाता है। ओके, सो क्या बोलेंगे हम लोग इसको? येलो बोन मैरो बात करेंगे। क्या बात करेंगे? येलो बोन मैरो। अभी ये जो बोन का स्ट्रक्चर है, अभी तो यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैंने इतना दिखा दिया। अभी हम लोग जब प्रीवियस केस में पढ़ेंगे तो तब इसको थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मिलते हैं अगले लेक्चर में कंटिन्यू करके, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे थे एक्चुअली बोन को लेके, तो यहाँ पे मैं अभी एक बड़ा सा बोन बनाने वाला हूँ, जो कि प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोग ने देखा था वो थोड़ा सा शॉर्ट पे लग रहा था। तो मैंने क्या कर दिया, बोन की साइज़ थोड़ी बड़ी कर दी है। और एक और बात, अगर आप लोग ठीक से देखोगे तो ये यहाँ पे हो गया तुम्हारा, दिस इज़ एपिफाइसिस एंड दिस इज़ डायाफाइसिस, ठीक है। लेकिन समझने की बात क्या है कि ये डायग्राम क्यों बनाया सर ने? तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, जो कि आपस में कनेक्टेड भी रहेंगे। ओके, तो कुछ जो है आपस में ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, तो इसको समझने की कोशिश कर रहे, ठीक है। दीज आर सम इलोंगेटेड ट्यूब्स, और ये इलोंगेटेड ट्यूब जो है ना ये आपस में थोड़े से ऐसे स्लैंटिंग वे में कनेक्टेड रहते हैं। देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो इसको, ठीक है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, सी हाउ द डायग्राम एक्चुअली मेड ओवर हियर। ओके सर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिख रहा है? तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्स बनाए मैंने अंदर, ठीक है, इसके बारे में बात चलने वाली है। और ये जो आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं ना, उसको भी याद रखना है, क्योंकि ये थोड़े से स्लैंट पैटर्न में कनेक्टेड रहते हैं। कैसे? तो थोड़े से स्लैंटिंग पैटर्न में ये कनेक्टेड रहते हैं, तो इनके ऊपर भी हमको फोकस रखना है रैदर देन दिस इलोंगेटेड ट्यूब्स। तो यहाँ पे तो मैंने दो बनाए, वैसे बहुत सारी हो सकती है, ठीक है। सो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है मेरे डायग्राम में एक्सप्लेनेशन के लिए। सो लेट्स फोकस ऑन दिस। ओके, तो यहाँ पे ये जो बीच में कनेक्टेड एरिया है ना, जो स्लैंटिंग एरिया है, उसको मैं कहता हूँ वॉक्समैन कैनल। क्या कहेंगे हम लोग उसको? वॉक्समैन कैनल के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए, डेट इज़ अ कनेक्टिंग एरिया। ओके, सो दिस इज वॉट, सो दिस प्रोवाइड्स अ कनेक्शन। ओके, इट एक्ट्स लाइक अ कनेक्शन। अभी ये समझने के लिए आपके स्क्रीन पे अभी मैं कुछ और भी एक सिनेरियो ओपन करने जा रहा हूँ, कि ये दो सर लंबे लंबे जो ट्यूब बनाए, तो लेट्स फोकस ऑन दिस एरिया। ओके, तो इसको कहते क्या है अभी ये आपको समझना है। जैसे कि देखो, हेवर्सियन वर्ड आ गया है। क्या वर्ड आ गया है? हेवर्सियन वेसल्स कहते हैं या फिर कैनल्स कहते हैं। क्या नाम आ गया? हेवर्सियन कैनल्स नाम आ गया है। एंड दिस ओनली हैज़ What it has? The blood vessels. Okay? तो ये आपको कंपलसरी यहाँ पे याद रखना है। तो ब्लड वेसल्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं, फाइन। और ये ब्लड वेसल्स होने का रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो होते हैं कॉम्पैक्टली कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, तो इनके पास ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये सारी चीज़ें पहुँचनी चाहिए कि नहीं पहुँचनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी बातें होती है, तो यही ब्लड के थ्रू बोन में एक्चुअली नरिशमेंट पहुँचा जाता है, न्यूट्रिशनल पहुँचाया जाता है। अगर मैं बोन का सेक्शन ले लूँ, TS ऑफ द सेक्शन, सो दिस इज हाउ इट विल बी लुक। तो यहाँ पे लिख देता हूँ TS ऑफ बोन। क्या लिख देता हूँ? TS ऑफ बोन। अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो दिस TS ऑफ बोन, सो सबको पता हो गया कि ये राउंड कलर में दिखे, मतलब राउंड कलर नहीं, फॉर्म में, ऐसे राउंड फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। तो ये बीच में आ जाएगी कैविटी, है ना, ये वाली कैविटी जहाँ पे एक्चुअली येलो बोन मैरो प्रेजेंट है। सो यहाँ पे मैं ऐसे डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, सो दिस इज द कैविटी वेयर द येलो बोन मैरो सब्सटेंस इज प्रेजेंट। तो ये जो होता है, ये बाहर से एक कवरिंग होती है और इसके बाहर से एक कवरिंग होती है, ठीक है। तो अभी मैं इसको लेबल करूँगा। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी थिकनेस दिखाने की कोशिश की है। सो दिस इज आउटर कवरिंग विच इज़ कॉल्ड एज अ पेरिस्टोमियम या फिर पेरियोस्टियम, पेरिस्टोमियम के नाम से हम लोग इसको बोलेंगे। और जो एक अंदर से जो होता है दिस एरिया, इसको हम लोग बोलेंगे एंडोस्टियम। ओके,
एंडोस्टियम के नाम से इसको बोलेंगे। एक होता है पेरियोस्टियम एंड एंडोस्टियम। अब ये जो होता है, ये सारी बातें इसको देखो फोकस करते हैं, ये तो कवरिंग हो गई। और ये जो कवरिंग होती है, दोनों के दोनों स्ट्रक्चर एक्चुअली मेड अप ऑफ फाइब्रस कवर्स, ओके, फाइब्रस सेल्स बोल सकते हो, इज आर फाइब्रस नेचर, ठीक है। अभी जो आप लोगों को समझना है, अभी ये टीएस है तो ये जो कैनल्स होती है ये भी तो कट होगी ना, तो ये कैसे दिखेगी? ऐसे इलॉन्गेटेड फॉर्म में तो नहीं दिख सकती, ये टीएस है तो सर्कुलर फॉर्म में ही दिखेगी। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ हेवर्सियन कैनल्स। क्या बोलते थे? हेवर्सियन कैनल्स के नाम से मैं अभी इसको लेबल कर रहा हूँ। समझ में आ रही है ना बात? क्या है, सिंपल सी बात है। देखो सर ने इसका ऐसा करके एक सेक्शन लिया हुआ है, बस और कुछ नहीं। जब सेक्शन लेंगे तो ये ऐसे करके आप लोगों को दिखेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जो वॉक्समैन कैनल्स वगैरह होते हैं, इनका फंक्शन क्या है, इनका पार्ट क्या है, ये क्या रोल प्ले करते हैं, व्हाई दिस हेवर्सियन कैनल इज देयर, है ना। इसके बाकी का जो एरिया है बोन में, ये जो एरिया दिख रहा है, व्हाट इज दिस एरिया कंसिस्ट ऑफ, है ना, क्योंकि ये तो समझ में आ गया। इट हैज़ द फैटी टिश्यू, येलो कलर का फैट प्रेजेंट होता है, इसलिए येलो बोन मैरो वगैरह कहते हैं हम लोग इसको। इतना तो पता चल गया, लेकिन बाकी का बोन अभी तक आपने समझा नहीं है। द टर्म विच इज़ यूज ओवर हियर इज़ अ कॉम्पैक्ट बोन, है ना, कॉम्पैक्ट या फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये क्यों है, अभी उसके बारे में हम लोग पढ़ना चालू कर रहे हैं, ठीक है। सो बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा। पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एक टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं वॉक्समैन कैनल, ओके। तो पहले इसको समझ लेते हैं, ये वॉक्समैन कैनल होता क्या है। सो एक्चुअली ये वॉक्समैन कैनल जो होता है ना, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। तो व्हाट आर दिस सेल्स मेड अप ऑफ, ओके, इनका काम क्या है। पहले तो देखो सेल्स क्या क्या होते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले सेल्स के बारे में बात करूँ, तो दिस इज कॉल्ड एज ऑस्टियोब्लास्ट। क्या बोलेंगे इसको? ऑस्टियो। देखो हमेशा वर्ड याद रखना, बोन के रिस्पेक्ट में हम लोग ऑस्टियो वर्ड यूज़ करते ही हैं। तो इनको क्या बोलेंगे? ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स के नाम से बोलेंगे। अभी इनका फंक्शन जो है, इट्स सीक्रेट ए हार्ड मटेरियल। विच मटेरियल? हार्ड मटेरियल, जिसको हम लोग एक्चुअली यहाँ पे बोलेंगे मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको? मैट्रिक्स के नाम से इसको बोलेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स नथिंग बट द फिलिंग टिश्यू बोल सकते हैं हम लोग, फ्लूइड बोल सकते हैं, फाइन। लेकिन वो फाइनली जाके हार्ड होने वाला है। हार्ड का मतलब क्या है? यहाँ पे बोनी अपेयर करेगा। कैसे अपेयर करेगा? बोनी के जैसे अपेयर करेगा। और इतना ही नहीं, सो इट विल चेंजेस इंटू, दैट्स मैट्रिक्स एक्चुअली चेंजेस इंटू ऑस्टियोसाइट्स। किस में चेंज हो जाएगा? ऑस्टियोसाइट्स में चेंज हो जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस ऑस्टियोसाइट्स? ये हमारा दूसरा टाइप का सेल। बात समझ में आ रही है? तो ऑस्टियोसाइट्स का मतलब क्या है? तो ये जो मटेरियल है, हार्ड मटेरियल, इसको बना के रखेगा, इसको मेंटेन रखेगा। सो मेंटेनेंस क्या करेगा इसको? इसका मेंटेनेंस रखेगा। सो मेंटेन बोनी मटेरियल, जो हार्डनेस है उसकी, उसको बनाए रखेगा, उसको वैसे के वैसे रखेगा। उसका नेचर है ना हार्ड रहना, तो वो उसको बना के रखेगा, मेंटेन रखेगा। इतना समझने के बाद हमको अभी थर्ड कैटेगरी समझनी है सेल्स की, मतलब तीसरे टाइप का सेल जो होता है उसको कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है? सो दीज आर फैगोसाइटिक इन नेचर। क्या होते हैं ये? फैगोसाइटिक इन नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय द फैगोसाइटिक वर्ड? मैंने बहुत बार ये वर्ड यूज़ किया है, फैगोसाइटिक नेचर। तो फैगोसाइटिक का मतलब ये होता है कि जो भी पुराने सेल्स हो जाएंगे, ऑस्टियोसाइट्स या फिर ऑस्टियोब्लास्ट, ये जो पुराने सेल्स हो जाते हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। क्लियर हो गया बच्चों लोग यहाँ तक आप लोगों को? ठीक है, पहले रिपीट कर लेते हैं ये सारी बातें मैंने क्या बात की यहाँ पे। तो ये बोन का यू कैन से LS है, ठीक है। जैसे हम लोग LS लेते हैं, वी कैन सी अ कैविटी ओवर हियर, और कैविटी के बाजू में हम लोगों को लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्स रन करते हुए दिखते हैं, और वो ट्यूब्स आपस में कनेक्टेड भी रहते हैं। सो जो आपस में कनेक्टेड रहते हैं, स्लैंटिंग टाइप ऑफ कनेक्शन, उसको कहते हैं हम लोग वॉक्समैन कैनल। और जो लॉन्गिट्यूडनल कैनल्स होते हैं उनको कहते हैं हम लोग हेवर्सियन कैनल्स, ओके। और इनके थ्रू ओनली द ब्लड वेसल्स रन, और वही के उन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू उनको खाना पानी पहुंचता है, फाइन। अभी अगर मैं इसका TS ले लूँ, तो दिस इज़ हाउ द सर्कुलर बोन विल बी लुक लाइक। अभी ये जो सर्कुलर बोन है, इसके पास दो अपनी खुद की लेयर होती है। बाहर की लेयर को हम लोग कहते हैं पेरिस्टोमियम, और जो अंदर की जो लेयर होती है हम लोग उसको बोलते हैं एंडोस्टियम। अभी क्या है, ये दोनों का नेचर कैसा है? तो दोनों भी फाइब्रस इन नेचर है, ठीक है। और हेवर्सियन कैनल जब कटेंगे तो वो भी, बट ऑब्वियसली बात है, सर्कुलर फॉर्म में दिखेंगे। अभी मैंने क्या कर दिया, जो वॉक्समैन हम लोगों ने वॉक्समैन कैनल देखा था, तो उसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं। व्हाट इज दैट कंसिस्ट ऑफ? इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ द सेल्स। पहले बात करते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, विच सिक्रेट द हार्ड मटेरियल कॉल्ड एज मैट्रिक्स। हार्ड मटेरियल यानी उसका बोनी नेचर मेंटेन रखना रहता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, जब बोनी मैट्रिक्स बनता है वो चेंजेस हो जाते हैं ऑस्टियोसिस्ट में। और ऑस्टियोसिस्ट क्या होते हैं? सो दीज आर नथिंग बट अ काइंड ऑफ सेल्स दैट विल बी मेंटेनिंग दैट नेचर,
ठीक है। और आपके पास थर्ड कैटेगरी के सेल्स होते हैं जिसको कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल, जो कि फैगोसाइटिक इन नेचर होते हैं, जो पुराने वाले सेल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए काम करते हैं। फाइन, अभी हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा और डिटेल में, जहाँ पे हम लोग का टॉपिक चलेगा ऑस्टियोजेनेटिक सेल्स विच आर एक्चुअली कॉल्ड एज अ स्टेम सेल्स, दैट इज अवर फोर्थ कैटेगरी। ओके, सो ऑस्टियोजेनेटिक, अभी ये जो स्टेम सेल वर्ड इसके लिए यूज़ हो रहा है, दिस आर नथिंग बट व्हाट यू कैन से दिस आर स्टेम सेल्स। अभी स्टेम सेल्स का मतलब ही होता है कि कुछ नए सेल्स ऐड करना ना, सो दिस एड्स न्यू सेल्स। ओके, क्या बोलेंगे हम लोग इसका फंक्शन, दिस ऐड द न्यू सेल। अभी जो पुराने सेल डाइजेस्ट हो रहे हैं तो कुछ नए सेल ऐड भी तो होने चाहिए ना, तो वो वाली एक्टिविटी कौन कंट्रोल करेगा, सो ऑस्टियोजेनेटिक्स सेल्स, एक्चुअली दिस आर स्टेम सेल्स जो कि बोन में आ जाते हैं एंड देन दे एड्स कीप ऑन एडिंग द न्यू सेल्स। ओके, सो ये सारी बातें हैं जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के स्क्रीन पे कवर कर ली है। अभी क्या है, तो अभी आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन मार्क आया रहेगा कि सर एक्चुअली ये जो हार्ड मटेरियल रहता है ये होता किस चीज़ का है कि नहीं, ऐसा दिमाग में आया रहेगा ना, सर एक्चुअली वो मटेरियल ऐसा जो हार्ड होता है तो वो क्या होता है, तो इनमें एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है ओएसिन, ओएसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अदर देन दिस इट इज़ ऑल्सो हैज़ द इनऑर्गेनिक सॉल्ट, क्या होता है इसके अंदर, इनऑर्गेनिक सॉल्ट इज प्रेजेंट। फाइन, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट का एग्जांपल अगर मैं दूँ यहाँ पे लिख लेते, चलो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, तो नोट क्या बोल रहे हैं सर, नोट इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स मींस फर्स्ट इट इज कॉल्ड एज अ कैल्शियम फॉस्फेट, सेकंड इट इज कॉल्ड एज अ कैल्शियम कार्बोनेट, ये दो सब्सटेंस का होता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पे कंपलसरी याद रखना है। ओके, दिस ओनली द फ्यू सब्सटेंस विच विल बी वर्किंग और एक्टिंग लाइक अ मैट्रिक्स एंड बिकम्स हार्ड इन नेचर। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर रहेंगे। आई थिंक द बोन पार्ट हैज़ बीन अंडरस्टूड वेरी क्विकली एंड वेरी इजीली। अभी हम लोग ये जो बोन का जो एरिया है जो कि बीच में आप लोगों को स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर से। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग को बोन का जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नाम मिला है बोन को, उसके बारे में बात करेंगे। सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। फाइन, और इजी है, डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। तो जैसे कि मैंने बात की थी हेवरसेन कैनल की, तो एक बड़ा सा हेवरसेन कैनल मैं आप लोगों के स्क्रीन पर रख रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर लेबल भी कर देता हूँ, हेवरसेन कैनल। फाइन, अब ये जो हेवरसेन कैनल होता है इसके सराउंडिंग में कुछ एक्चुअली कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बने हुए रहते हैं। तो ये मान लेते हैं, ये सबसे पहला इसे लेबलिंग कर देता हूँ हेवरसेन कैनल को। ठीक है, और इसके आसपास से ऐसे कॉन्सेंट्रिक रिंग होती है, तो ये एक रिंग हो गई। ठीक है, अब दूसरी रिंग बनाते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे दो ही रिंग बनाऊंगा, ज़्यादा नहीं बनाऊंगा क्योंकि बाकी सारी बातें तो सेम ही होगी, तो कोशिश करना कि दो रिंग में आप लोग समझ जाओ। ठीक है, तो ये मैंने दो रिंग बना के रखी है आप लोगों के स्क्रीन पे, और ये जो दो रिंग स्ट्रक्चर है इनके अंदर से एक्चुअली कुछ ऐसे इररेगुलर टाइप ऑफ सेल्स रहेंगे। फाइन, तो हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे फटाफट। सो दीज आर द इररेगुलर टाइप ऑफ द सेल्स, वो रिंग्स के अंदर ही एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ सेल्स ऐड कर दिए हैं, अभी क्या करेंगे, कुछ सेल्स हम लोग इधर के इसमें भी बना देते हैं। फाइन, अगेन so here also I am adding some cells, अब ये जो सारे सेल्स ऐड कर दिए, ये इतना ही नहीं, तो ये सारे सेल्स जो है ये आपस में इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। ओके, सो दैट इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच यू शुड अंडरस्टैंड ओवर हियर। सो ऑल सेल्स आर कनेक्टेड ओवर हियर बाय अ ट्यूब। ओके, सब मैं बना रहा हूँ, फोकस करो, समझने की कोशिश करो, मेरे साथ ही समझ जाओगे आप लोग काफ़ी इजीली। ये देखो, तो सारे कनेक्शन मैंने बना लिए स्क्रीन पे। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डायग्राम वेरी इजीली। ओके, अब ये जो सारे इररेगुलर सेल्स होते हैं इनके अंदर मैं डॉटेड स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। ओके, कुछ के अंदर ही दिखा रहा हूँ, सब में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि सब में सेम ही स्ट्रक्चर होता है। फाइन, तो ये जो स्ट्रक्चर्स है हम लोग उसके बोलेंगे, क्या बोलना चाहते हैं हम लोग इसको, ऑस्टियोसाइट्स। ओके, क्या बोलेंगे, ऑस्टियोसाइट्स।
याद आ गया, ऑस्टियोसाइट जैसे हम लोगों ने कुछ सेल्स के बारे में बात की थी, राइट। और ये जो ब्रिज रहता है उसको हम लोग कहते हैं कैनाली क्यूलाई, ओके, कैनाली क्यूलाई के नाम से कहते हैं, ओके। अब ये जो सेल्स हैं जो कि ऐसे इरेगुलर फॉर्म में हैं, इनको हम लोग कहते हैं लैक्यूना, एंड लैक्यूना इज नथिंग बट द स्पेस, यू कैन से इरेगुलर काइंड ऑफ सेल्स विच हैज़ द स्पेस, एंड दैट स्पेस इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द ऑस्टियोसाइट सेल्स। बात क्लियर हो रही है, ओके। और ये जो ऑस्टियोसाइट्स हैं ये आपस में कनेक्टेड भी रहते हैं बिकॉज ऑफ दिस ट्यूब्स कैनालिक्यूलाई, बात समझ में आ रही है ना। सो ऐसे करके ये आपस में सारे कनेक्टेड रहेंगे, तो कुछ यहाँ पे भी बना देते हैं, ठीक है, फाइन। सो दिस इज हाउ द कम्प्लीटली स्ट्रक्चर विल बी लुक लाइक, और ऐसे ही कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में सारे प्रेजेंट रहेंगे, कम्प्लीटली प्रेजेंट रहेंगे। अभी क्या क्या चीज़ें समझ में आ रही है, पहली बात तो इसको भी लेबल कर देता है, सो दिस आर कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, ओके। तो ये भी लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, ओके, ये हो गया आप लोगों के स्क्रीन पे, कॉन्सेंट्रिक रिंग लेबल कर दिया। अभी ये क्या क्या चीज़ें इसमें आ गई, लैक्यूना आ गया, कॉन्सेंट्रिक रिंग आ गई, एंड कैनाली क्यूलाई आ गया, है ना। तो इसको मैं लेबल कर देता हूँ 1, ठीक है, और दूसरी बात दिस इज 2, देन थर्ड इज द लैक्यूना, एंड फोर्थ इज द कॉन्सेंट्रिक रिंग, ओके। तो ये जो चार लेबलिंग है आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट। नोट क्या बोलता है, 1, 2, 3 एंड द फोर्थ लेबलिंग टुगेदर विल बी कॉल्ड एज अ ऑस्टियन। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, ऑस्टियन के नाम से इसको बोलेंगे, ओके, कॉल्ड एज, सी देखो ठीक से, 1, 2, 3 एंड द फोर्थ, ओके, ये सारी लेबलिंग्स एक साथ यहाँ पे फोकस करो, ओके, कॉल्ड एज ऑस्टियन, फाइन। बात समझ में आ रही है। अब ये व्हाट इज दिस ऑस्टियन वर्ड, नथिंग बट ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग दूसरा भी नाम दे सकते हैं, उनको कहा जाता है हेवर्सियन, हेवर्सियन सिस्टम। अभी तुम लोग मुझे बताओ, अगर मैं तुम लोगों को पूछूं व्हाट इज हेवर्सियन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, सो हेवर्सियन कैनल सर, उसके बाजू में से रहेंगे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, दोस कॉन्सेंट्रिक रिंग विल बी कंसिस्ट ऑफ इरेगुलर काइंड ऑफ सेल्स जिसको स्पेस में हम लोग कहते हैं लैक्यूना, इट इज फिल्ड विद द ऑस्टियोसिस्ट, ओके, ऑस्टियोसाइट सेल्स। नाउ दिस ऑस्टियोसाइट सेल्स आर गेटिंग कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द कैनालिक्यूलाई ऑल्सो, है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पे समझ में आ गई। अब ये जो ऑस्टियन या फिर हेवर्सियन सिस्टम होता है इसको एक्चुअली कहा जाता है स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यू कैन से कॉम्पैक्ट बोन, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन। सर ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन है, मतलब इसके अलावा हम लोग कोई और भी पढ़ने वाले हैं? यस, हम लोग पढ़ेंगे दूसरे टाइप का बोन जिसको कहते हैं हम लोग स्पॉन्जी बोन, ओके। तो ये सारी बातें यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। अभी सर ने ये तो हेवर्सियन कैनल के बारे में बता दिया, अभी क्या है, अभी आपको डिटेल बोन का स्ट्रक्चर समझना भी है ना। तो ये बाहर का कवरिंग हो गया, ठीक है, और ये अंदर का कवरिंग हो गया, और ये बीच में कैविटी है, इसको मैं लेबल कर देता हूँ यहाँ पे कैविटी। तो यहाँ पे क्या है, येलो बोन मैरो, ओके, येलो बोन मैरो ऐसे लेबल कर देंगे, ठीक है। और तुमको पता है दिस इज कॉल्ड एज एंडोस्टियम, है ना, इसको मैं बोलूँगा पेरिस्टियम, क्लियर हो गया। अब इसके बीच में वो सारा सिनेरियो चलने वाला है ना, तो डायग्राम कैसे बनाएंगे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल पेरिस्टोमियम के नीचे क्या होता है तो आप लोगों के लिए वो समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे मैं कुछ सेल्स बना के रख रहा हूँ बेटा, इसके ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये जो डार्क सेल्स हैं यहाँ पे, मैं इसको बोलूँगा स्टेम सेल्स, क्या बोलूँगा इसको, स्टेम सेल्स। तो यहाँ पे भी रहेंगे वो, दोनों साइड से रहेंगे, इवन द इनर साइड एंड इवन द एक्सटर्नल साइड। तो लेट्स लेबल दिस एज अ स्टेम सेल, ठीक है, यहाँ पे भी लेबल कर देता हूँ स्टेम सेल्स, क्लियर हो गया। अभी क्या है, अभी इसके नीचे, ठीक, स्टेम सेल्स के नीचे हम लोग कुछ कुछ इरेगुलर सेल्स बनाएंगे बीच में, जो कि तुम्हारे लिए सर्कमफेरेंशियल लैमिना के नाम से उसको पहचाना जाएगा। तो इनके बीच में थोड़े से ऐसे इरेगुलर टाइप ऑफ सेल्स बनाएंगे, या फिर ओवल टाइप बोल सकते हो, ओके। तो दिस काइंड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज अ सर्कम फेरेंशियल लैमेले, ओके, क्या है ये, सर्कमफेरेंशियल लैमेले, यहाँ पे लेबल कर दिया है मैंने, ठीक है। तो दोनों साइड से देखो, मैंने कम्प्लीटली लेबलिंग कर दी है। अभी आप लोगों को क्या समझना है कि हेवर्सियन कैनल, तो ये दो हेवर्सियन कैनल यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे डॉट 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 स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, दीज आर नथिंग बट अ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स,
तो ये इसके लिए भी बना देता हूँ। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सो ये ऑस्टियन रिप्रेजेंट करता है ना, हेवर्सियन सिस्टम के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो तीसरे का कैसे रहेगा? इस फॉर्म में रहेगा कि नहीं रहेगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्म में। अभी ये तो हो गया आप लोगों के लिए क्लियर से बात ही है ना, तो ये सारी बातें एकदम क्लियर हो गई। तो इसको बोलेंगे हेवर्सियन कैनल एंड दिस कंप्लीट सिस्टम इज कॉल्ड एज अ सिस्टम। ओके, हेवर्सियन सिस्टम। ये बात आप लोगों के सामने क्लियर हो गई। ओके, अब क्या समझने की बात है? अब समझने की ये बात है, कैन यू सी देयर आर सम स्पेस। तो यहाँ पे भी आप लोगों को कुछ ऐसा कुछ ना कुछ एरिया भरा हुआ दिखेगा। ओके, तो ये एरिया जो होता है ये ऐसे ही खाली नहीं रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरटीशियल्स लैमिले। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इंटरटीशियल लैमिले। इतना हम लोग उसको लेबलिंग करेंगे, यहाँ पे इंटरटीशियल लैमिले के नाम से पहचानेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों के लिए। एंड दिस स्टेम सेल्स आर नथिंग बट, वेर इज दैट स्टेम सेल गॉन? दिस आर ओनली नथिंग बट यू कैन से ऑस्टियोब्लास्ट, है ना? यही ऑस्टियोब्लास्ट मैट्रिक्स सीक्रेट करेगा। व्हाट आर दोस मैट्रिक्स? आर नथिंग बट दिस हेवर्सियन सिस्टम। बात समझ में आ रही है? जो कि बोनी हार्ड स्ट्रक्चर को सीक्रेट करेगा, है कि नहीं? और फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑस्टियोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस ऑस्टियोसिस्ट विल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट? तो वो उनको हार्ड रहने में मदद करेगा। दैट इज ओनली द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात क्या समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये हो रहा है कि कुछ कुछ जो ऐसे बीच बीच में जो सेल्स होते हैं लाइक दिस, हम लोग उनको कहते हैं इंटरटीशियल लैमिले। फाइन, अभी ये जो स्टेम सेल्स है ये कुछ ना कुछ नए नए सेल्स को ऐड करते रहेगा ना। इधर से भी ऐड हो रहा है ना, इधर से ऊपर से भी ऐड हो रहा है और इधर से नीचे से भी ऐड हो रहा है। तो ये आप लोगों को सिनेरियो यहाँ पे देखने मिल रहा ही होगा। तो दैट मींस व्हाट? ग्रोथ हैज़ बीन टेकन प्लेस इन द बोथ द डायरेक्शन, अंदर से भी बाहर से भी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट मींस व्हाट? ग्रोथ इन द कॉम्पैक्ट बोन इज अ बाई डायरेक्शनल। तो ये नोड जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नोड। तो नोड क्या बोल रहा हूँ? ग्रोथ इन कॉम्पैक्ट बोन इज बाय डायरेक्शनल। ये आपको हमेशा याद रखना है। दिस इज ई एक्स आई एम पी पॉइंट। वॉट इज दिस पॉइंट? दिस इज ई एक्स आई एम पी पॉइंट। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो क्वेश्चन किस में आएगा? कॉम्पैक्ट बोन एंड द स्पॉन्जी बोन के कंपेरेटिवली में आएगा। क्लियर हो रही है बातें? तो ये यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है, स्टडी कर लिया है कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन। बाद में हम लोग बात करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्पॉन्जी बोन्स। यस टू स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों को बात करना है विद रिस्पेक्ट टू द स्पॉन्जी बोन। ओके, तो ये भी बड़ा इजी है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। ऑलमोस्ट सिमिलर बातें होगी, खाली थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंट होगा। तो स्पॉन्जी बोन जो होते हैं ना, ये आप लोगों को देखने मिल सकते हैं रिब्स में, है ना? दूसरा जो इसका एपिफाइसिस में देखने मिल सकता है। ओके, और ये एक्चुअली फ्लैट बोन के नाम से भी पहचाने जाते हैं। अभी ये क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, तो इसका हेड रीजन बना लेते हैं। दिस इज हाउ द एक्चुअली फ्लैट बोन लुक लाइक। ये ग्रोथ होने वाला रीजन, और यहाँ पे होंगे स्पॉन्जी सेल्स। स्पॉन्जी सेल्स विल बी प्रेजेंट ओवर हियर। ठीक है, अभी सेल्स के बारे में क्या बात करना है? सेल्स के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, तो हम लोगों ने बात किया था ना, सेम एस अबाव लिख देता हूँ मैं, सेम एस अबाव कॉम्पैक्ट बोन्स। कौन से सेल्स? स्टेम सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट, है कि नहीं? ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, ये सारी बातें जो हम लोगों ने देखी थी, तो वो सेम रहेगा। ओके, सेम एस अबाव कॉम्पैक्ट बोन मैट्रिक्स। ओके, तो वो उसी के टाइप्स के सेल्स आप लोगों को यहाँ पे देखने मिलेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान दो ठीक से। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट, ये जो तीन सेल्स हम लोगों ने देखे थे, और चौथा जो था स्टेम सेल्स दैट इज ऑस्टियोजेनेटिक सेल्स, वो आप लोगों को यहाँ पे देखने मिलेंगे, विच इज़ अ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन, है ना? तो इसमें जो मैट्रिक्स होता है दैट इज अगेन द सेम सेल्स कंसिस्ट करता है। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन। ओके, सो नोट क्या थी हम लोगों के दिमाग में, कि जो ग्रोथ थी वो विथ रिस्पेक्ट टू द बोन्स आर बाई डायरेक्शनल था, है कि नहीं? ये आप लोगों ने देखा था
विद रेस्पेक्ट टू द कॉम्पैक्ट बोन। अभी अगर मैं स्पॉन्जी बोन के बारे में बात करूँगा तभी सिनेरियो बदल जाएगा। ओके, अगर मैं इसको इसका जो अगर मैं सेक्शन लेके आप लोगों को माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाऊँ, सो ये कैसे दिखता है एक्चुअली, ये बहुत लूजली होते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ समवॉट द स्ट्रक्चर विल बी सीन। कुछ ना कुछ ऐसे रैंडमली फॉर्म सेल्स होंगे। ओके, काफ़ी सारे ऐसे देखने मिल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा गैप्स आप लोगों को देखने मिल सकते हैं, ऐसे कैनल सिस्टम देखने मिलेगा, बीच बीच में आप लोगों को स्पेस देखने मिलेगा। ओके, सो दैट इज़ व्हाट द स्ट्रक्चर लुक लाइक। फाइन, अभी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होने के बाद अभी आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, तो ये जो बीच बीच में स्पेस जो है यहाँ पे, दिस एरिया एक्चुअली द स्पेस, दिस ओनली कंसिस्ट ऑफ रेड बोन मैरो। क्या होता है इसमें, रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है, और ये जो एरिया रहता है इस, ये जो बीच वाला जो एरिया रहता है, दिस एरिया इज नथिंग बट कैविटीज, दिस एरिया इज नथिंग बट कैविटी, और इनको कहा जाता है ट्रैबिक्यूलाई। ओके, क्या वर्ड यूज किया जाता है, ट्रैबिक्यूलाई वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, अभी जो ये स्ट्रक्चर होते हैं, दिस कैनल्स एक्चुअली ये हॉलो होते हैं। क्या होते हैं, हॉलो। तो अभी ये बात करेंगे कि हॉलो कैनल अंदर से कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो इसके इनसाइड स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ। सो लेट मी टेक दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर। फाइन, जैसे हम लोगों ने ऊपर कॉम्पैक्ट बोन बनाया था वैसे यहाँ पे सेम थिंग बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ ऐसा सर्कुलर फॉर्म में बोन दिखेगा, है कि नहीं, कैनल है ना ये, सो सर्कुलर फॉर्म में दिखेगा। अगर मैं अंदर की बात करूँ तो यहाँ पे पेरीफेरी पे आप लोगों को ऐसे कुछ सेल्स देखने मिलेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे ऑस्टियोक्लास्ट भी, जैसे कि कुछ यहाँ पे बना देता हूँ रैंडमली। फाइन, तो ये जो कुछ ऐसे सेल्स रहेंगे, ऐसे थोड़े से ओवल टाइप के बड़े सेल्स जो दिख रहे हैं आप लोगों के स्क्रीन पे, थोड़ा इधर भी बना देता हूँ, और बीच बीच में ये ऐसे स्टेम सेल्स डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, फाइन। सो ये जो बड़ा सेल है, सबसे पहले इसको लेबल कर देता हूँ, दिस इज ऑस्टियोक्लास्ट। ओके, अब ये जो ऑस्टियोक्लास्ट होने के बाद आप लोग को ऐसे फिर से इरेगुलर सेल्स जो आप लोगों ने वहाँ पे देखे थे, वही इरेगुलर सेल्स आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। सो सी, ये आपस में ऐसे कनेक्टेड भी रहेंगे, तो अभी बात करेंगे सबके कनेक्शन के बारे में। यही कैनालिक्यूलाई हम लोगों ने लेबल किया था, है कि नहीं, कैनालिक्यूलाई करके इसको लेबल किया था कि नहीं, है ना। नाउ व्हाट इज द दिस एरिया, दिस इज नथिंग बट द बोनी मटेरियल, तो लेट मी राइट ओवर हियर। सो दिस इज व्हाट, सो दिस इज माय बोनी मटेरियल। ओके, और जो बाहर की कवरिंग है इसको मैं लेबल कर देता हूँ पेरियोस्टियम। ठीक है, और दूसरी जो बात है वो है ये सेल्स जो छोटे छोटे सेल्स दिख रहे हैं, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, और इसके के अलावा ऑस्टियोसिस्ट बचा है, तो हम लोग को पता है वो इसके अंदर होते हैं ऑस्टियोसिस्ट, है ना। तो लेट मी राइट ओवर हियर ऑस्टियोसिस्ट सेल्स हम लोग को यहाँ पे देखने मिलेंगे। फाइन, सारा मटेरियल वैसा ही है, इतना ही है कि आपको याद रखना है कि यहाँ पे दिस आर प्रेजेंट इन द स्कैटर्ड फॉर्म। विच फॉर्म, स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है सारी बातें। वहाँ पे हेवर्सियन कैनल्स फॉर्म हो रहे थे, हेवर्सियन सिस्टम फॉर्म हो रहा था, ऐसा कुछ आपको यहाँ पे देखने नहीं मिल रहा है। तो ऑस्टियोसाइट्स जो है वो कैसे हैं यहाँ पे, दीज आर स्कैटर्ड, स्कैटर्ड फॉर्म। ओके, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, आप लोगों के सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। रिमेंबर ऑलवेज, ऑस्टियोसाइट्स आर ओवर हियर, आर द स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ओके, हेवर्सियन कैनल्स आप लोगों को यहाँ पे देखने नहीं मिलता। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉन्जी सेल्स एंड द कॉम्पैक्ट सेल्स, यही फर्क होता है। ठीक है, बाकी का जो टॉपिक है हमारा, जो आने वाला टॉपिक है, डेट इज कॉल्ड इज अ कार्टिलेज। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कार्टिलेज और उसके टाइप्स को लेके और बातें होंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू।